सबसे तेज खबर जब दूध नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल में मैं पीके ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। खगड़िया जिला के SLDAV के पब्लिक स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र आदर्श कुमार जिला टॉपर से किया हमारे संवाददाता जगदीप कुमार खास बात। क्या कहते हैं आदर्श के परिवार, आप भी सुने। और आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर में। मैं आपको बता दूं, खगड़िया जिले के DAV पब्लिक स्कूल के एक छात्र आदर्श कुमार ने CBSE बोर्ड में ताबड़तोड़ अंक लाए। आखिर इनके पीछे राज क्या है, इन्होंने कितनी मेहनत की, कितने पढ़ाई करते थे और इनको कहाँ प्रेरणा मिली, ये हमारे साथ बात करने के लिए खास के रूप में है आदर्श कुमार। सबसे पहले जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। आपको 10th में कितने मार्क्स आए हैं? कहाँ पढ़ाई करते थे आप? SLDAV पब्लिक स्कूल खगड़िया में पढ़ाई करते थे। क्या उम्मीद रहते थे कि जो इस बार जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपको अपना बिलीफ था कि हम टॉप कर जाएंगे? टॉप करने का किसी को बिलीफ नहीं होता है। कंपटीशन आज के दौर में बहुत ज़्यादा है, मेरे भी क्लास में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, लेकिन लास्ट में मेरा हार्डवर्क इतना पे ऑफ किया कि मैं आज खड़ा हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी। लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिली, आप क्या करना चाहते हैं आगे? कि प्रेरणा तो मुझे हमेशा अपने पेरेंट्स और टीचर्स ने देते रहा, उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत किया जिसके कारण मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। उन्हीं की मेहनत के बदौलत मैं आज टॉप किया हूँ, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। और मैं आगे निश्चित रूप से IIT की पढ़ाई करना चाहता हूँ, जो भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम है, उसे क्रैक करके मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ और मैं देश के लिए एक अच्छा इंजीनियर बनकर दिखाना चाहता हूँ। क्या लगता है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ाई करते, सबसे आपके महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन थे जो कमज़ोर थे और आपको खुद से कहीं ना एक डर पैदा हो कि इस सब्जेक्ट में हमें फेल हो सकता है या फिर किसी तरह परेशानी हो सकती है, कैसे सामना किया उस सब्जेक्ट का? जिस प्रकार मेरे 5 सब्जेक्ट मैंने कभी किसी भी खुद का कमजोरी नहीं माना। कमजोरी मानने से सब्जेक्ट खुद पर बर्डन लगने लगता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। सभी सब्जेक्ट का अपना महत्व है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग तरीका है। इस प्रकार मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, साइंस में आप जितना अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, आर्ट्स को पढ़ने का दूसरा प्रोसेस होता है। उसी तरह मैंने हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दिया, उसी का नतीजा है कि मैं आज। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे जो आज इस मुकाम तक आज पहुँच चुके हैं? मैं डेली 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन जब एग्ज़ाम था उसके 1 महीने पहले सिलेबस पूरा होने के बाद स्कूल में घर में प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया गया। उस टाइम मैं बहुत देर ज़्यादा पढ़ता था, खुद के स्टडी को मैंने प्लान किया था रूटीन के हिसाब से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर इनके बदौलत बहुत मुझे हेल्प मिला। और एग्ज़ाम देते समय मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जिससे मैं कन्फ्यूज हूँ, वो पूरी तरह हार्ड प्रैक्टिस का नतीजा। लेकिन इस बार जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2021 में, उसके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? कि प्रेरणा यही है कि निश्चित रूप से कंटिन्यूसली पढ़ाई कीजिए, बीच में यदि आप गैप देंगे पीछे हो जाएंगे। स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसे घर में आके खा निश्चित रूप से रिवाइज करें, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। ये आपको कोई बर्डन लेना नहीं है कि मैं 10 घंटे पढ़ूँ, 12 घंटे, 14 घंटे। अभी आप 10th क्लास में, अभी आप बेसिक्स में हैं, आप थोड़े से मेहनत से भी बहुत सारी सफलताएँ हासिल कर सकते हैं। 10th का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है कि आप खुद को ज़्यादा बर्डन लें, आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करें और माइंड को फ्रेश रखें। आपका बैकग्राउंड कैसा रहा, आपका परिवार कितने संघर्ष किए, कैसे रहा आपका? कि मेरे पापा एक किसान थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, तो बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली से आता था, क्योंकि कभी भी आसान नहीं होता है कि गाँव से आए यहाँ पे ढलने में। मुझे बचपन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस माहौल को ढाला, यहाँ पे खुद के दोस्त बनाए और पढ़ाई पे मैंने कंटिन्यूसली ध्यान दिया, जिसका नतीजा था कि मुझे यहाँ पे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती रही और स्टडी को मैंने कभी बर्डन नहीं लिया, उसी का नतीजा था कि मैं आज। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है आज के युग के युवा कंटिन्यू मोबाइल से अपडेट रहते हैं, एनी टाइम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी से लगाव रखते हैं, लेकिन आपने कहाँ तक त्याग दिया था या फिर उसके साथ जुड़े रहे पढ़ाई के साथ साथ भी? इसे आप किस्मत कहिए या जिससे जो भी कहिए, लेकिन उस समय 10th क्लास तक मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मुझे इस सब के बारे में लत नहीं लगा था, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्योंकि किस्मत से उस समय मेरे पास मोबाइल था। मेरे पापा ने बोला नहीं 10th क्लास तक मोबाइल नहीं लेना है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे कभी मोबाइल का लत लगा नहीं था। हो सकता है ये भी एक कारण हूँ मेरे साथ।
सोशल मीडिया आज बहुत बच्चे यूज़ करते हैं, उसके बहुत लाभ भी है हानि भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में पढ़ाई जिस तरीका से आप कर रहे थे पढ़ाई, वो जहाँ पे आप जिस तरह से पढ़ाई कर, जिस सर ने आपको पढ़ाए, उस सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? फिर मुझे मेरे सक्सेस के पीछे बहुत सारे टीचर्स का हाथ है। मैं किसी एक टीचर का नाम लेके ये सही नहीं होगा, जो भी टीचर्स थे मेरे स्कूल में या मेरे घर पर जो पढ़ाए से, उन्होंने मेरे ऊपर टाइम दिया। कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे डाउट हो तो उन्होंने बताया। मेरे स्कूल में जो भी टीचर्स थे वो हमेशा कहते थे, जो भी डाउट हो तुम लोग पूछो, हम तुम्हें बताएंगे, मेरा कौन है तुम्हें डाउट को सॉल्व करना, कभी कंफ्यूज हो तो निश्चित रूप से हमसे पूछो, हम लोग इसी के लिए बैठे। ये हमारे आदर्श जो जिन्होंने टॉप किया, इनकी माँ है, ये किस तरह आपका बेटा टॉप किया है, खगड़िया का जिला का नाम रोशन किया है, तो आप क्या कहेंगे अपने बेटे को, आज कितना गर्व हो रहा है अपने आप पे? क्या लगता है आगे आने वाले छात्र जो एग्ज़ाम देंगे उसे किस तरह से मेहनत करनी चाहिए? जिस तरह आपका लड़का था, किस तरह पढ़ाई करता था, आप ये खबर देखने के बाद सभी के मन में इच्छा होगी, चलते फिरते, क्या आपकी तरफ से कभी प्रेशर नहीं देते बेटा पढ़ ले? प्रेशर देते थे, लेकिन प्रेशर कहीं नहीं करता था, अपने मन से ही करता, मेरे कहने पर ही नहीं करता, जब मन इसका होता था तब ये करता। खबरों के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जगदूत न्यूज की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए